आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। वो जो बच्चे बैठे एम्बुलेंस के साथ वो दोबारा एक मिनट के लिए सब खड़े हो जाएंगे। ग्राउंड पर यहाँ पर मास नेशनल एंथम बच्चों के द्वारा किया गया, जिसके अंदर पीआरआई मेंबर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। म्यूनिसिपल काउंसिल के हमारे चेयरमैन साहब और म्यूनिसिपल काउंसिलर्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये जो आज हर घर तिरंगे का हमारा जो महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे ज़िले के अंदर, अलग अलग स्थानों पर लोगों के द्वारा झंडा फहराया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा अब फ्लैग भी पिन करने लग गए हैं, और कुछ लोगों के द्वारा अभी हम लोग हर घर तिरंगे के लिए रैलियां भी निकाली जा रही हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर किसके कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। इन सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए आज का एक ये दिन हमारा कमरिया ग्राउंड के अंदर था, और ये इसलिए था क्योंकि आने वाले हमारे 15 अगस्त की भी तैयारियाँ आज चल रही हैं। तो अभी सभी लोगों ने सभी स्कूलों की तरफ से आया था कि हम लोग इन तैयारियों के लिए जब रिहर्सल करने आते हैं उससे पहले हम इसका आगाज़ एक अच्छे मास नेशनल एंथम के साथ किया था, और जिसमें कि लोगों ने यहाँ पर तिरंगे के झंडे के आकृति में अपने सरों पर टोपियाँ लगाई थी, और सारे सभी बच्चों का वो एक तिरंगे की उन्होंने रिस्पेक्ट शो की थी इस चीज़ के लिए। और मैं यहाँ पर आए सभी मीडिया कर्मियों से, सभी पीआरआई मेंबर सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 13 से 15 अगस्त का जो हमारा महामहोत्सव है, जिसके अंदर हम लोग हर घर तिरंगे को यहाँ पर हम लोग मनाएंगे, उन सभी में आप सभी लोगों के बढ़ चढ़ के हिस्से भागीदारी रहेगी। सभी लोग अपने अपने घर में जो तिरंगे के प्रति हमारे आज जो 75 साल हुए हैं पूरे, तो उसको हमें रिस्पेक्ट की तरह शो करेंगे। एक और नई चीज़ यहाँ पर की गई थी स्कूल विभाग के द्वारा, जिसमें कि यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है कि कैसे हमारा जिस तिरंगे के लिए आज हम लोग हर घर तिरंगा कर रहे हैं वो तिरंगा कैसे आया, क्या थी उसके पीछे की जर्नी, उसके लिए यहाँ पर पूरा इन्होंने डिस्प्ले किया है कि पहले कौन सा तिरंगा था, फिर कौन सा तिरंगा, कैसे ये हम लोग इस कड़ी तक कैसे पहुँचे, और आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सुख समृद्धि जो देख रहे हैं उस चीज़ को हम लोग कैसे हासिल करते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर कश्मीर के अंदर और विशेषकर गांधरबल के अंदर इसी तरीके से कई सारे कार्यक्रम होते रहेंगे, और लोगों के खुशहाली के लिए हम लोग और बेहतर